हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पर। हम आ चुके हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड के हिस्ट्री के साथ, और आज का मेरे चैप्टर का नाम है एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। और आज हम आ चुके हैं उसके एक नए वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हमने होमो इरेक्टस तक पढ़ा था, और इस वीडियो में हम होमो नेदरलैंथियंस और नेदरलैंथ मैंस के बारे में पढ़ने वाले थे, जो होमो इरेक्टस का जो नेक्स्ट इवॉल्विंग स्टेज है। तो फिर अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, वन मोर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन एवोल्यूशन इज होमो नेदरलैंथियंस। ही वॉज फिजिकली बिग एंड स्ट्रॉन्ग। ही वॉज कॉमनली नोन एज द नेदरलैंथियन मैन बिकॉज हिज रिमेन्स वो फर्स्ट फाउंड इन नेदरलैंड। ये देखो, ये ऐसे दिखता है नेदरलैंथियन मैन। इसके रिमेन्स के जो उसके जो है ना, क्या बोलते हैं, उसके फॉसिल्स के थ्रू इसके ऐसा रिकंस्ट्रक्शन बनाई गई है। नेदरलैंथियन मैन कैसे दिखते थे दोस्तों? तो नेदरलैंथियन मैन उसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके जो पहले रिमेन्स हैं वो नेदरलैंड में मिले थे। नेदरलैंड एक जर्मनी में जगह है। उसका जो दिमाग था वो होमो इरेक्टस से ज़्यादा डेवलप था। द नेदरलैंथियंस प्राइमरली लिव्ड इन द केव्स। वो केव्स में रहा करते थे। दे मेड टूल्स आउट ऑफ बिग पेडल्स एंड वेल एश फ्रॉम द legs, scraps of them. Such tools were fixed on the bone of or a wooden shaft to make weapons like spear, axe, etc. The Netherlandians hunted big animals. They used to scraper made from the stone flakes to scrap meat from the hidden of the dead animals. They used leather clothing. They were mainly meat eaters. They ate meat roasted on fire. They knew the art of making fire by rubbing sticks of hard wood on each other, by striking a flint one flintstone on another to obtain spark. तो जो होमो सॉरी जो नेदरलैंथियन मैन थे, उनने जो आर्ट ऑफ फायर है उनने उसको मास्टर कर लिया था। जो होमो इरेक्टस है वो आर्ट ऑफ फायर को मास्टर नहीं कर पाए, पर इनने कर लिया था। ये होमो इरेक्टस से साइज में बड़े और स्ट्रांग थे। और दूसरे, ये जर्मनी में पाए गए थे, इसलिए वो मैंने आपको बोला। अभी इनका जो खाना है, ये कहाँ रहते थे उसके बारे में जानेंगे। तो वो प्राइमरली केव्स में रहते थे। उनके जो टूल्स थे वो बड़े बड़े पेबल्स से बना हुआ करते थे, और फ्लेक्स स्क्रैप्स से बना करते थे। उनको काट काट के, तोड़ तोड़ के उनके जो स्क्रैप्स बाकी रहते थे उससे बनाए करते थे। सच टूल्स वर फिक्स्ड ऑन अ बोल। ये जो टूल्स थे ये किसी लकड़ी या किसी हड्डी पे चिपकाए जाते थे कोई भी एनिमल के, तो उसे स्पीयर, एक्स एक्सेट्रा ये लोग बनाया करते थे। हड्डी और बोन को एज पर वो एक हैंडल के तरह यूज़ करते थे, इसलिए वो उसको लगाया करते थे उसके ऊपर। तो अभी जो नेदरलैंड मैंस थे वो बड़े बड़े एनिमल्स को हंट किया करते थे, पर होमो इरेक्टस क्या छोटे छोटे एनिमल्स को हंट किया करते थे। एज पर उनके जो टूल्स थे वो इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, इसलिए वो छोटे छोटे एनिमल्स को हंट किया करते थे, पर ये बड़े बड़े एनिमल्स को हंट करते थे। और ये स्क्रैपर्स यूज़ किया करते थे जो स्टोन फ्लेक से बने होते थे, और वो मेनली जो डेड एनिमल की मीट होती है उसके अंदर छुपा देते थे उसको। और फिर वो लेदर क्लोदिंग यूज़ करते थे, कपड़े उनके लेदर के बनाया हुआ करते थे। वो मीट ईटर्स थे। वो जो खाना है उनका जो मीट है वो रोस्ट करके खाते थे आग पे, तो उनको पता था कि आग कैसी बनाई जाती है, और वो आग को मास्टर कर चुके थे बनाना फ्लिंट स्टोन के साथ दोस्तों। इट इज़ लाइक दैट द नेदरलैंडियंस हैज़ डेवलप्ड सम आर्टिस्टिक स्किल्स। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट दे ऑल्सो कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय प्रोड्यूसिंग ग्रंट्स एंड अदर प्राइमरी साउंड। हाउएवर इट इज़ नॉट नोन वेदर दे हैड डेवलप लैंग्वेज सिस्टम टू एक्सप्रेस देयर थाट्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। तो नेदरलैंडियंस बहुत ज़्यादा होमो सेपियंस के तरह ही थे, बस उनके जो वर्ड्स थे वो उनको यूज़ नहीं करते आते थे। उनका जो दिमाग था थोड़ा कम से डेवलप था होमो सेपियंस से, ह्यूमन से, तो इसलिए। और ये अभी एक्चुअली हमें यहाँ में हमने ये कन्फर्म कर लिया है कि वो
ग्रंट्स निकालते थे, आवाजें निकालते थे खुद को, क्या प्राइमरी साउंड्स प्रोड्यूस करते थे बात करने के लिए। पर ये अब तक कंफर्म नहीं हुआ है कि वो जो आवाज़ है, जो एक्चुअल लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वो कर पाए कि नहीं। दोस्तों, व्हेन अ मेंबर ऑफ द ग्रुप डाइड, द नेदरलैंडेज बॉन्ड टूल्स हॉर्न्स एक्सेट्रा अलॉन्ग विद द डेड बॉडी ऑल्सो दे अप्लाइड रेड टॉर्च टू द डेड बॉडी बिफोर बर्निंग इट। इट इंडिकेट्स दैट नेदरलैंडियन हैज एस्टैब्लिश्ड सम रिचुअल्स ऑफ बर्निंग द डेड। तो वो कुछ रिचुअल्स फॉलो करते थे, उसके ऊपर जो उसने सारे सामान बनाए थे उसके साथ ही उसके उसको दे दिया जाता है, उसको कुछ लाल कलर का ऑचर लगाया जाता है। और ये सारे हमें पता चलता है कि उनने धीरे धीरे रिचुअल्स बना लिए थे दोस्तों, उनने खुद के रिचुअल्स बना लिए थे एज पर। ये कुछ सिंबलाइज करता है कि वो मरे हुए आदमी को कैसे सिग्निफाई करके उनको उनकी जो डेथ है वो कैसे सेलिब्रेट नहीं कैसे मनाते हैं एज पर रिचुअल्स थे उनके बर्निंग के डेड को। इन द कोर्स ऑफ टाइम सम ग्रुप्स ऑफ नेदरलैंडियंस लेफ्ट अफ्रीका एंड माइग्रेटेड अपर कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया। नेचुरली दे हैड टू फेस डिफरेंट एनवायरमेंट, दे हैड टू अडाप्ट न्यू वेज ऑफ लिविंग एंड फाइंड फूड्स, देयरफॉर दे वर they went on modifying the improving the tools that were essential in their life. However, the improvement in tools took place over thousands of years. तो ये अभी जो नेदरलैंडियंस है उनने खुद की जगह छोड़ के वो अलग जगहों पर रहना शुरू कर गए, वो ऊपर चले गए, माइग्रेट हो गए यूरोप और एशिया में। उनको नेचुरली कुछ डिफ़िकल्टीज आई एनवायरनमेंट ने, क्योंकि अफ्रीका के एनवायरनमेंट और यूरोप और एशिया का एनवायरनमेंट अलग है एज पर उसके कारण। तो वो फिर खाना ढूंढने के लिए उनने नई लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर ली और नए तरीके सीख लिए, और ये सारी इम्प्रूवमेंट होने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे दोस्तों। होमो सेपियंस इज द नेम यूज फॉर ह्यूमंस दैट वर मोर एडवांस दैन द नेदरलैंडियंस। होमो सेपियंस वर इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल मैन, वी शाल लर्न मोर अबाउट हिम लेटर दैन द नेदरलैंडियंस एंड द होमो सेपियंस वर नेबर्स फॉर सम टाइम इन द यूरोप। इट इज बिलीव दैट ड्यू टू द रीजन लाइक देयर कॉन्फ्लिक्ट विद होमो सेपियंस इन एबिलिटी टू अडाप्ट द एनवायरमेंटल चेंज, द नेदरलैंडियंस बिकम एक्सटिंक्ट ऑन द basis of C14 dating. It is estimated that the Netherlandians become extinct over 30,000 years ago. तो जो होमो सेपियंस है, जो अभी देखो जो नेक्स्ट स्टेज बोली जाती है नेदरलैंडियंस की नेक्स्ट स्टेज, उसे कहा जाता है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस अब जो ह्यूमन्स है अभी जो मोर अभी हम हो वो होमो सेपियंस है, हम ज़्यादा इवॉल्व है नेदरलैंडियंस है। और नेदरलैंडियंस आज से 30,000 ईयर्स वो एग्जिस्ट किया करते थे ये लोगों का मानना है। तो इंटेलेक्चुअल्स और ये इंटेलेक्चुअल मैन थे, ये इंटेलिजेंट थे, और ऊपर से वो ये भी माना जाता है कि नेदरलैंडियंस और होमो सेपियंस कुछ टाइम के लिए नेबर्स भी थे यूरोप में। और ये भी बिलीव किया जाता है कि कुछ रीजंस कॉन्फ्लिक्ट विद होमो सेपियंस, उनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट होमो सेपियंस के साथ एंड इन एबिलिटी टू अडाप्ट द एनवायरमेंटल चेंजेस। ये देखो होमो सेपियंस ने जो चेंजेस थे एनवायरमेंट में उनने वो अडाप्ट कर लिए, पर नेदरलैंडियंस नहीं कर पाए। तो नेदरलैंडियंस क्या हो गए दोस्तों, एक्सटिंक्ट हो गए और बाकी रह गए होमो सेपियंस। ऑन द बेसिस ऑफ C14 डेटिंग इट इज एस्टिमेटेड दैट द नेदरलैंडियंस बिकम एक्सटिंक्ट अबाउट 30,000 ईयर्स अगो। तो जो नेदरलैंडियंस थे वो 30,000 ईयर्स अगो एक्सटेंट हो गए। तो आज के लिए बस आए हो, पक्को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा होमो सेपियंस और उसके आगे की चीज़ें, उसके साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।